Yes, come in. Good afternoon, sir. Good afternoon. Take your seat. आपका नाम? जी भाव मित्तल. ठीक है. आपकी उम्र क्या है? 18. गुड. बहुत कम उम्र में जो बच्चे यहाँ आते हैं, हमें लगता है कि उनको तो निश्चित रूप से प्रेफरेंस मिलनी चाहिए. अभी आपसे बात करके देखते हैं. पहले आप अपने बारे में कुछ ऐसा बताइए कि उसके बाद हमें ये पढ़ना ना पड़े. आपका फॉर्म? सर मैं मेरठ का रहने वाला हूँ और मैंने पढ़ाई के तौर पर बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से की है सर. सर मेरे बचपन से ये सपना है सर मैं आईएएस बनूँ. कुछ आपके रुचि वगैरह हो? सर रुचि मेरी ये कि मैं अपने सपने को पूरा कर सकूँ और एक आईएएस बनूँ. ऐसा लग रहा है जैसे कि जब आप पैदा हुए थे तब से एक बच्चे को नहीं पाला जा रहा है, एक आईएएस के पौधे को संभाला जा रहा है. यू वर अमंग द वेरी गुड, क्या कितने शायद 70-80 या 90% मार्क्स आपके 10th में थे, 86 थे, फिर आप बीए प्रोग्राम करने बीए पास करने गए, विच इज़ अनयूजुअल काइंड ऑफ थिंग. वहाँ पे भी आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसा सब्जेक्ट लिया. डोंट यू मिस योर चाइल्डहुड? सर नहीं ऐसी बात नहीं, मैंने अपने बचपन को बहुत ही शानदार तरीके से जिया है. वो तो सब सही है, अच्छी अच्छी बातें मत बताओ. इस कारण आपको जो कीमत अदा करनी पड़ी है, आपने अपना बचपन खो नहीं दिया? नहीं सर. बचपन में भी तो मुझे लगता है आपको खिलौने भी आईएएस वाले दिए जाते होंगे. नहीं सर मैंने बोला मुझे मेरा सपना है आईएएस बनने का, लेकिन नहीं बात खिलौने की तो ये बात सच है कि मेरे पापा मुझे खिलौने ला के देते. तो एक बंदूक आती है वो टर टर वाली, तो सर मैंने बहुत चलाई है वो. पहली सिगरेट कब की थी वो बताएं? सर मेरा मानना ही है कि मैं स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, पर मैंने सुना है सर छोटी उम्र में से धुआं बहुत निकलता है. प्रश्न पूछा उसका उत्तर जी, कोई बात नहीं. चलिए लेट्स गो टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. आपका विषय रहा है, मुझे बताइए कि एफडब्ल्यू रेक्स का जो मॉडल है वो एग्जैक्टली है क्या, वो इंडिया पर क्यों किस तरह से लागू होता है? सॉरी सर. प्रिज्मेटिक साला मॉडल आपने पढ़ा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका विषय था ना? जी सर था, लेकिन अभी वो एरिया मेरे याद नहीं आ रहा. जो एरिया याद है बताइए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से. सर सॉरी सर. चेस्टर बर्नार्ड के का क्या सिद्धांत है, प्रशासनिक सिद्धांत? सर वो मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ. डायरी लिखते हैं आप? यस सर. ब्लॉक किसे कहते हैं? सर पूरा दिन काम करने के बाद डायरी में लिख तो लेता हूँ, लेकिन सर मेरे सवाल का उत्तर शायद नहीं है. जी नहीं. डायरी से बहुत निकट की विधा मानी जाती है ब्लॉग, क्या है? सर ब्लॉग वो होते हैं किसी टॉपिक के ऊपर उसके बारे में विस्तारपूर्वक समझाना, सर उसे ब्लॉग कहते हैं. आपका अपना ब्लॉग है? नहीं सर मेरा नहीं. सर रावण के कुछ नैतिक मूल्यों के बारे में बताएंगे जिसको जीवन में अपनाना चाहिए? सर रावण ने सीता का हरण किया, लेकिन उसको उसके बिना मर्जी के छुआ तक नहीं, ये उसकी नैतिक मूल्य का सबसे बड़ा उदाहरण है. उसके अपहरण कर लो छुओ मत. नहीं सर वो चाहता तो बलपूर्वक वो उसके साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने अपने संयम को दिखाया. तो इतना अनैतिक था तो उसको पूछकर ही ले जाना चाहिए था कि चलना चाहती हो कि नहीं? जी सर जरूर ऐसा करना चाहिए सर, पर सर विधि का विधान. कुछ और? नहीं सर. मुझे बताइए कि अभी हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन में एक चीज़ यूज, हम एक टर्म यूज़ कर रहे हैं ग्रे वाटर का यूज़. ग्रे वाटर क्या होता है? ग्रे वाटर सॉरी सर. अच्छा. यूरोपियन ग्रीन डील? सॉरी सर. अच्छा. ग्रेट ग्रीन वॉल राजस्थान के? सॉरी सर. अच्छा. मेरा लास्ट क्वेश्चन है, मुझे बताइए कि अमृत सिटी और एक स्मार्ट सिटी में क्या अंतर है? सॉरी सर. आपका इंटरव्यू बस पूरा होने वाला है, बस एक आखिरी प्रश्न है. आपको एक अच्छा सा जोक सुनाना है. सर जोक मुझे सुनाना मुझे. अच्छा आपकी अपेक्षा थी हम आपको चुटकुले सुने? नहीं सर मैं बताता हूँ सर. एक मेरा हरामी दोस्त था सर, उसको एक दिन टीचर ने कहा कि अगर चांद पे पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा तो दूसरा किसने रखा? और बहुत सारा हरामी सर उसने बोला अगर पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा तो दूसरा भी उसने रखा होगा. टीचर ने बोला क्यों? उसने बोला कि सर चांद पर लैंड का तो जाएगा नहीं अब. तो सर उसी में हंसी आई होगी आपको. ठीक 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 ठीक. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. क्या आप कुछ पूछना चाहेंगे हम लोगों से? नहीं सर. ठीक है, अब जा सकते हैं. थैंक यू सर. आइए. कैसा लगा आपको इंटरव्यू लेके? सर एवरेज रहा. अब जैसे एवरेज रहा ये खुशी की बात तो है नहीं, दुख की बात है, लेकिन आप इस पर मुस्कुरा रहे हैं. क्यों मुस्कुरा रहे हैं इस पर आप? आपको क्या किसी ने सलाह दी है कि मुस्कुराना है बहुत ज्यादा इंटरव्यू में? नहीं सर
सर नेचर है, थोड़ा सा नियंत्रण कीजिए। देखो आपकी एंट्री बहुत अच्छी है, आपकी ड्रेस बहुत ही शानदार है, बहुत सुंदर आप दिख रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। जिन प्रश्न के उत्तर आपको आते हैं, फैक्चुअल वाले प्रश्न, उसमें तो आप बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। जहाँ नहीं आते हैं वहाँ आप सॉरी बोल रहे हैं। सॉरी आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, बस थोड़ा सा गति कम कर दीजिए। प्रश्न सुनते खटाक से सॉरी बोलते हैं, लगता है कि आप सॉरी ही तैयार करके आए थे कि बोल के दिखा दूंगा सॉरी, ऐसा ना लगे बस, है ना। थोड़ा सा गैप लेके ये लगे कि आप कोशिश कर रहे हैं याद करने की, फिर सॉरी बोल रहे हैं, ठीक। अदरवाइज सॉरी आपका ठीक है। जो सबसे बड़ी चिंता की बात है कि अंत में मैंने आपसे पूछा जोक सुनाओ, और आपने जो सुनाया है उसमें आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया एक एक। आप समझ रहे हैं कि आईएएस के इंटरव्यू के बोर्ड में इन शब्दों का प्रयोग इसका क्या मतलब होगा? उस सर मैं तैयार नहीं था। तो ये प्रश्न इसीलिए होता है कि आप तैयार नहीं है। अगर ये भी सिलेबस में लिख के देंगे कि जो कि याद करके आओ, तो फिर क्या पूछने को रह जाएगा? ये जो इंस्टेंट रिएक्शंस होती हैं उससे पता लगता है कि दरअसल उस व्यक्ति का सोचने का तरीका क्या है। तो इससे अच्छा था बोलते सर मैं भी याद नहीं कर पा रहा हूँ, ये तो मैंने बीच में रोक दिया, वरना आप अभी दो तीन और मुहावरे बीच में लेके आते हैं, है ना। मुझे ही लगा कि मैं गरिमा का ध्यान रखूं पूरे बोर्ड की। तो भाई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मतलब करना तो बाहर भी नहीं चाहिए, लेकिन बोर्ड में तो नहीं करना है। और पूरे इंटरव्यू का सार ये है, मुस्कुराओ कम। अब जैसे एकदम ठीक हो जितना मुस्कुराना चाहिए वहाँ मुस्कुराओ, जहाँ मुस्कुराने की बात हो, वरना क्या होता है कि चुभता है। क्योंकि आपसे सीरियस सवाल पूछ रहे हो और आप सुनते हुए मुस्कुरा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आप इस भाव से देख रहे हैं कि हाँ पूछ ले क्या पूछेगा, बहुत देखे तेरे जैसे मैंने, ये भाव आता है मन में। तो वहाँ मुस्कुराहट चुभती है, उससे बचिए। बाकी अच्छी बात है कि आपकी एज कम है, कॉन्फिडेंस अपने ज़बरदस्त है, दिखते स्मार्ट हुई। मेरा अनुमान है कि आपकी रेंज तो है बहुत शानदार। मुस्कुराओगे कम, डरोगे नहीं, इमेजिनेटिव किस्म के प्रश्नों पर अच्छा जवाब ज़रूर दोगे, भाषा ठीक रखोगे, तो प्रॉपर आईएएस से नीचे कुछ नहीं मिलेगा। आपके और आपके आईएएस बनने के बीच में एक ही व्यक्ति है बस, वो आप ही हैं, ठीक है। डरो मत, ये जोक यहाँ सुन लिया अच्छा हुआ ना, कल को वहाँ सुनते। इसका पूरा पर्पस यही है ना कि यहाँ वो गलतियाँ पकड़ में आ जाए जो वहाँ नहीं होनी चाहिए। तो मेन काम मुस्कुराहट कम रखनी है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। जो पूछें टू द पॉइंट वही बताइए, घूमिए मत दाएं बाएं। और नॉलेज आपकी ठीक है, बस ट्राइबल एस्पेक्ट में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बाकी सब ठीक है एकदम, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। आईएएस बन के लौट। हेलो गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? तो यार लाइक और कमेंट करके प्लीज़ बता देना। और वीडियो काफ़ी टाइम से अपलोड नहीं हो पा रही थी, तो किसी रीज़न से मैं बता दूंगा बाद में। और शेयर कर देना प्लीज़, लाइक कमेंट। ओके बाय।